और ये रहा यमुना एक्सप्रेस वे। अब ये सीमेंटेड है तो टायर का प्रेशर करना पड़ेगा भैया कम। रास्ते में भाई मिली एक सफारी, बड़ी कोशिश की पकड़ने को इसे, मतलब टच ही नहीं हो पाया। वो आ रहा देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। माहौल बन रखा है यार रेडियो सुनते हुए, और महिंद्रा की इस गाड़ी की फड़फड़। यूट्यूबर का रेडियो जॉकी बनना चाहिए। हमारे यूपी में भी आ गया स्वैग उत्तर प्रदेश में। पेट्रोल की कैलकुलेशन गलत हो गई। ये है गंगा सिटी, शुरू हो चुकी है। अच्छी सिटी है ये लखनऊ। ये भैया ब्लोरो कैंपा। निकल रहे हैं हम घर की तरफ। घर है अपना सुल्तानपुर साइड में। कुछ 726 किलोमीटर का ये जर्नी है वन शॉट। अकेला हूँ इतनी लंबी ट्रिप में, और अभी रास्ते की अपडेट बताता हूँ कैसा होता है। तो क्या होता है किसी गेट ये है। मैं पलवल के आगे आ चुका हूँ, और पलवल से लेफ्ट ले लिया मैंने टुवर्ड्स यमुना एक्सप्रेसवे के लिए। जो इस रूट पे आते हैं उनको पता होगा गुड़गांव से सबसे अच्छा रूट है फरीदाबाद से निकलो, फरीदाबाद से पलवल, पलवल से लेफ्ट लेके यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे लेने स्पेशली दिल्ली क्रॉस करके जाने की कोई जरूरत नहीं है। यमुना एक्सप्रेसवे आने के बाद आगरा आ जाएगा, आगरे के बाद फिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, फिर लखनऊ के बाद एक और एक्सप्रेसवे है, तो घर अपना एक्सप्रेसवे पे ही आएगा। ये पर्टिकुलर रोड बड़ी प्यारी है, सिंगल लेन रोड, बहुत कम बची है। अब थोड़ा स्पीड कम हो जाती है इसमें क्योंकि ओवरटेकिंग नहीं मिलती, लेकिन है बड़ी जबरदस्त। होता है जो मंजूर है खुदा होता है। ये नदी है, साइज के हिसाब से यमुना लग रही है, ये पानी के हिसाब से तो नाला लग रही है, ये मुझे तो यमुना लग रही है, बाकी पता नहीं। अभी वो नहीं आया हुआ है आपका एक्सप्रेस वे, अभी मैं पलवल से आगे ही चल रहा हूँ। एक्सप्रेस वे आ जाएगा अगले 10 किलोमीटर में, यमुना एक्सप्रेस वे। और ये जो गाने चल रहे हैं रेडियो पे चल रहे हैं, खुदा उदा वाला गाना जो था रेडियो पे था, मैंने नहीं लगाया था। हरियाणा सीमा समाप्त। अकेला यार बड़ा अजीब सा लग रहा है, मजा आ रहा है लेकिन। और ये रहा यमुना एक्सप्रेस वे। अब ये सीमेंटेड है तो टायर का प्रेशर करना पड़ेगा भैया कम। क्या करना पड़ेगा? प्रेशर करना पड़ेगा कम। 34 को लाना पड़ेगा 32 में। तीन टायर के हवा एयर प्रेशर कम करना पड़ेगा। तो भैया ये है यमुना एक्सप्रेस वे। मुझे इससे बोरिंग एक्सप्रेस वे आज तक कोई नहीं मिला, बहुत बोरिंग लगता है ये। एक तो सीमेंटेड है, आवाज़ आती टायर पता नहीं कैसी कैसी, ऊपर से भी थोड़ा बहुत ये जो ग्रीनरी दिख रही है ये भी उड़ जाएगी। बिल्कुल बंजर हाईवे है ये, बिल्कुल बंजर। ऐसा लगता है नॉर्थ अमेरिका वगैरह में जो पिक्चरें दिखाते थे हॉलीवुड वाले, उस वैसी वाली ये हाईवे लगता है। बिल्कुल बकवास हाईवे है। अब तो जेपी भी बैंक करप्ट हो गया तो कोई मेंटेन करने वाला भी नहीं। तो इन्होंने ये किया कि एक ही बार बना दो, भाड़ में जाए, उसके बाद रख रखाव की टेंशन ही ना हो। ऑलमोस्ट आगरा पहुंच गए, यमुना एक्सप्रेस वे ख़त्म होने वाली है। हॉल्ट पे रुक के चाय हॉल्ट। सफ़र में मेरे से ज़्यादा खाया नहीं जाता, और कल एक अपना दोस्त मिला, मतलब है ओपी भाई का ही बंदा था, कहता आप इतनी सीरियसली क्यों बात करते हो। पता नहीं क्यों बात करता हूँ इतनी सीरियसली। रास्ते में भाई मिली एक सफारी, सफारी थी ब्लैक डार्क एडिशन, बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। पीछे से आती हुई लिखी लाइटों में मिरर में, और करके निकली, बड़ी कोशिश की पकड़ने को इसे, मतलब मैंने अपनी जितनी भाग सकती थी ये कंट्रोल में, कुछ 150-160 तक मैंने उसको
खींचने की कोशिश की, रिकॉर्ड कर नहीं पाया ऑब्वियसली, उस मोमेंट में आप कहाँ रिकॉर्ड करते हो, टच ही नहीं हो पाया। वो आराम से क्रूज कर रही थी कुछ 170-180 प्लस के आसपास होगी। तो ये नई वाली सफारी ऑफ रोडिंग में तो जीरो है, एसयूवी तो कुछ खास है नहीं, हाँ लेकिन हाईवे पे बड़ी जबरदस्त है, बड़ा जबरदस्त बैलेंस था, यूँ हल्की हल्की गाड़ी और मेरी ऐसे चल रही थी। तो ये है नई वाली सफारी का, इनोवा से कंपेयर करो बाकी गाड़ियों से नहीं, नई वाली सफारी, नई वाली एसयूवी तो खैर शुरू से थी लेकिन इन सब में इनोवा ज़्यादा बेटर है। अब मुझे नहीं पता इनोवा की टॉप स्पीड क्या है, बट आपको पता है जो हाइलक्स आ रही है, सुनने में आया कि उसमें भी इनोवा का इंजन लगा हुआ है या फॉर्चूनर का इंजन लगा होगा, देखते हैं। इससे ऊपर का कोई इंजन है नहीं, मतलब बड़ा रहा है, निकलते हैं यहाँ से आगे। आगरा पहुँच गए, ये आगरा का आउटर है, ताजमहल इस तरफ कहीं होना चाहिए, और अभी आने वाला है यमुना एक्सप्रेस वे। आगरा बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है, आगरा से रास्ता जाता है एमपी यूपी, हर जगह से कनेक्शन जाता है, तो आगरा का एक अपना हिस्ट्री रहा है। और इनफैक्ट आगरा मुगलों ने तो कुछ टाइम तक आगरा को अपनी राजधानी भी रखी हुई थी। अब ये है आगरा, देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। टाइम हो रहा है 9:38, 6:15 या 6:17 के आसपास हम लोग निकले थे, और अभी तो सफर, अब मुझे ऐसा लगा अब जर्नी मेरी स्टार्ट हुई, क्योंकि आगरा अगर मान के चलो, आगरा मान के चलो एनसीआर में, तभी मजा आता। अब यहाँ से टाइम लगना है असली, अभी यहाँ से लग जाएगा ठीक ठाक 500 किलोमीटर ऊपर बचा हुआ है अभी। खूबसूरत हाईवे, सबसे ब्यूटीफुल हाईवे लगा मुझे आज तक का जहाँ पर मैंने गाड़ी चलाई। ये देख ले कौन सा शहर का नाम ले गए भाई, यार ये गाड़ी हिल रही देख रहे हो। 91.9 FM रग रग में आगरा सिटी, आगरा सिटी। साथियों दोस्तों, ये नदी है, शायद ये चंबा है, और पहले तो मैं एक चीज एक्सपीरियंस कराऊंगा, अभी जब गाड़ी जब ट्रक निकलेगा ना तो आप बोनट देखना कैसे पूरी गाड़ी हिलेगी, इनफैक्ट पर्दे से भी आइडिया लग सकता है। बट आ दे दो ट्रक, मैंने कहा क्या हो गया, फिर बाहर उतर के कवर करता हूँ। ये है सफारी, देख रहा है बोनट, ये ट्रक की वजह से हिल रहा है। दोस्तों वैसे ये इलाका तो आगरा के आसपास है, बट यहाँ पे थोड़ा सा एमपी टच, जो बीहड़ नहीं होते वो टच आने लगा है, आप देख सकते हो इस तरफ और रोड के इस तरफ। ये रास्ता जाता है आगे ग्वालियर, बहुत ही खूबसूरत जगह है, और मुझे तो जो इंडिया के भारत के तो ग्रेट प्लेस पंजाब से लेके बंगाल तक ऊपर अगर शुरू हो तो कुछ उत्तराखंड से लेके या फिर विंध्याचल तक जाते हैं, मुझे तो ग्रेट इंडियन प्लेस बहुत अच्छे लगते हैं। पंजाब में भी 5 नदियाँ हैं, सही में उत्तर प्रदेश हरियाणा में यमुना है और भी 2 नदियाँ होंगी, ज़्यादा डिटेल पता नहीं है। यूपी में बहुत नदियाँ हैं, इतने इलाके घूमने, ये रही बिहार, इतने इलाके घूमने के बाद एक चीज़ जो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पानी को, नदियों को जो नहरें बनी हैं उसको पंजाब ने बहुत बेटर मैनेज किया हुआ, सारी पक्की नहरें हैं, इसीलिए वहाँ पर शायद एग्रीकल्चर में इतना आगे निकल गए वो लोग, जबकि लैंड अच्छी है अच्छी भी नहीं थी कि इतना आगे निकल जाए बाकी स्टेट से, हमारे यहाँ की भी लैंड बहुत उपजाऊ है बट पंजाब ने बहुत अच्छा मैनेज किया। अभी ये एक्सप्रेस वे पे हूँ मैं, आगरा वाले एक्सप्रेस वे पे, शायद छोटा सा आइलैंड दिख रहा हो, ये नदी पीछे से चलती है, रोड के साथ साथ चलती है, और फिर यहाँ एक और बड़ी नदी भी है।
अल्टीमेट नज़ारा है। मौसम का हाल ये है कि इतनी गर्मी लग नहीं रही है, हालांकि धूप सर पे चढ़ गया बट अभी इतनी गर्मी नहीं। माहौल बन रखा है यार रेडियो सुनते हुए। ओहो और महिंद्रा की इस गाड़ी की फड़फड़ यही तो है जिंदगी। चलो अब हम एंजॉय करते हैं, बाय ये ले। जॉकी बनना चाहिए या डीजे वाले। फिलहाल तो हम बाबू बनेंगे, गाना बजाएंगे। पेट्रोल की कैलकुलेशन गलत हो गई, सफारी इनोवा से इंस्पायर हो गई थी इसलिए अब वो नई वाली सफारी इनोवा जैसी बनाती है, पुरानी वाली की अलग रही थी। साथ अभी चला रहे थे, कैप्चर करूंगा इसको आज। हमें लगता है भैया का ईश्वर है, पता नहीं है कि नहीं है, अगर है तो बड़ा दयालु है। देख रहे हो मौसम कैसे बनाई जा रहा है, कड़क धूप की जब सुबह निकला था और अभी बरसात वाला माहौल हो रखा है जबरदस्त। बाकी अंत तक पता चलेगा, क्या पता अभी थोड़ी देर में धूप हो जाए फिर हम स्टेटमेंट वापस ले लेंगे दयालु वाला। भैया जैसे दिखाते हैं उधर बाहर लोग टो करके लेके जाते हैं ना अपनी गाड़ियों से, हमारे यूपी में भी आ गया स्वैग उत्तर प्रदेश में। एक्सप्रेस वे छोड़ के हम इधर उधर भटक रहे थे डीजल के लिए, डीजल मिल गया। जो एक्सप्रेस वे बना है उसके पहले एक और रोड हुआ करती थी, उस रोड पे आना पड़ा जो कि 10 किलोमीटर के आसपास था और ऐसे जानबूझ के थोड़ा डीजल कम डलाया था। मैंने कहा देखिए ये है गंगा, अभी बीच बीच में पानी है, बीच बीच में पानी नहीं है, बट ये जब पूरा मतलब बरसात का टाइम आता है तो पूरा भरा होता है, ऐसा लगता है कोई समंदर है। ये तो बोलते दुआ गेहूं की फसल कट चुकी है, ग्लोबल वार्मिंग का सबसे लास्ट टाइम जब आया था मैं, मतलब जब मेरी पहली ऑफ रोडिंग थी थार के साथ, वो ऐसा था कि मैं ऐसे ही आया इधर से कहीं घूम के आया था, यहाँ से फिर मैंने उतारी थी और फिर इस पुल के पीछे जाके यही वाली दिन आती है जब के फिर वहाँ पे अंदर घुसा के पार कराने की कोशिश की। कई जगह पानी बहुत गहरा होता है, कई जगह बिल्कुल गहरा नहीं होता। चलो ओके भाई, फिर इसमें का रन वे आने वाला है, यहाँ पे कई बार सुखोई लैंड कर चुके हैं, एक टेम्परेरी बेस भी बना रखा है इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पे। ये है रनवे, ऑब्वियसली डिवाइडर नहीं है यहाँ पे दोनों लेन के बीच में, बट अभी रनवे ये शुरू नहीं हुआ, ये रनवे के पहले का रनवे शुरू हो
होगा कुछ यहाँ से। एक बात देखने वाली है, नॉर्मली ना यहाँ पे एक मतलब टेम्परेरी डिवाइडर लगा के रखते हैं, काफी भारी कंक्रीट होती है, बट इस टाइम पे बिल्कुल हटा रखा है, उसको भी हटा रखा है, सिर्फ ड्रम लगे हुए हैं, तो मतलब ये एक्टिव मोड पे तो है ही है ये रंग, ऐसा हम सोच सकते हैं, क्योंकि वो डिवाइडर्स को एक दिन में हटाना बड़ा मुश्किल है, ऐसे नंबर्स में थे लास्ट तक, अपनी स्पीड 100 के आसपास ही है, उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, यही है भाई, काफी बड़ा रनवे है, हर लैंडिंग करा चुके हैं हरकुलिस तक की, मतलब बड़ा वाला जो प्लेन है कार्गो प्लेन उसकी भी। इंडिया इस टाइम पे एक्टिव मोड में है करंट इंटरनेशनल सिचुएशन को देखते हुए, ये जो साइड में डिवाइडर रखे गए हैं पहले ये बीचों बीच हुआ करते थे, ये वाले बीचों बीच यहाँ होते थे जहाँ ड्रम रखते हैं, हम एनी डे एनी टाइम ये रनवे यूज कर सकते हैं आज के डेट, हार्डली एक घंटे के अंदर अंदर होता है ये खत्म। खूबसूरत हाईवे है यार, कभी मौका मिले तो एक बार ड्राइव यहाँ जरूर करो, और अगर सेडान है तो वो एसयूवी का भी मजा है, बट सेडान और भगा सकते हो ना। लखनऊ भैया पहुंच गए, 301 किलोमीटर का सफर हाईवे का ही है, अभी आगे कुछ और रह गया है, लखनऊ के आगे मेरा घर, यहाँ पे हॉल्ट होगा फिर निकलूंगा। सर भैया कुछ लखनऊ पीछे दिख रहा होगा स्ट्रक्चर, सिटी शुरू हो चुकी है, अच्छी सिटी है भैया लखनऊ, काफी अच्छी सिटी है, नीट एंड क्लीन और ग्रीन, राजधानी है उत्तर प्रदेश की, इधर मायावती ने पार्क बनवा रखा है बेसिकली। जैसे ये मूर्ति बनवा रहे हैं ना बीजेपी वाले, वो काम यूपी में बहुत पहले मायावती कर चुकी है, बीजेपी वाले तो फॉलो कर रहे हैं, कहते हैं इससे टूरिज्म आएगा, आज तक तो पता नहीं चला कौन सा टूरिज्म आ रहा है इससे, और कौन दुनिया देश में पागल है लोग तो देखने आ रहे हैं, ऐसा तो कोई भीड़ लगा नहीं, गेट बंद रहता है, कुछ दिन में खंडहर हो जाएगा अगर लोग नहीं आएंगे तो। ये भैया लखनऊ, ये इसके बाद गोमती नगर एक जगह है वो शुरू हो जाती है, मैं गोमती नगर जा रहा हूँ विराज खंड, पहले जो लखनऊ था वो जैसे हर शहर में ओल्ड और न्यू होता है, तो ओल्ड लखनऊ भी बहुत साफ सुथरा है, बहुत जो मेन लखनऊ था पहले आप वाला वो वही वाला लखनऊ, ये वाला लखनऊ भैया पहले आप वाला नहीं है, पहले हम ही भैया, ये है हमारा लखनऊ शहर, इसको बोलते हैं शहीद पथ, ये यहाँ का तरीके का गोलकोट रोड है यहाँ का, और ये सामने ओवल शेप वाली बिल्डिंग दिख रही है ये इंटरनेशनल स्टेडियम है, रोहित शर्मा ने यहाँ पे सेंचुरी मार रखी है T20 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ, ये कौन सा स्टेडियम बोलते हैं इसको, बहुत अच्छा स्टेडियम है। मैं चंडीगढ़ से बराबरी नहीं करूंगा लेकिन हाँ है उसी लेवल का शहर, ठीक है जी। गुड़गांव में जो आज लग्जरी दिखाते हैं कैमेलियास वगैरह की, वो
वो यहाँ पे बहुत पहले आ चुके थे। हाँ डीलर भी यहाँ पे है लखनऊ में, ये भैया ब्लोरो कैंपा 4x2 टर्बो चार्ज इंजन, ये है इसका बड़ा वाला टर्बो, ये वाली पूरी असेंबली टर्बो चार्जर है, ये वाली फोर इनलाइन, अच्छी गाड़ी है, सिंगल केबिन का खोला देखी जगह कितनी है, तेरा जमको दे देखी इतनी जगह के साथ, अच्छी गाड़ी है ना। फोर बाई फोर का ऑप्शन लग सकता है, बट हम लोग मैदानों में रहते हैं तो ऐसी कोई जरूरत है नहीं 4x4 का। ये राज की फीचर्स, हमका फोन करके ये कि हमसे मिल रहा है, ईसीयू यूनिट, फ्यूज बॉक्स, टन 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 का खबर कब हो गया हूं, कई बजे 12 बजे खबर अंकुल भेज रहे हैं, तैयारियां चल रही शादी की। ये हमारा भैया घर का ड्रेस कोड है, नाम क्या हुआ था भैया, अच्छे अच्छे चैनल है हमारा, यूट्यूब चला हुआ था कि नहीं, यूट्यूब देखा था फोन में कुछ ना भैया, भाई चला ना हमारा यार, चला हूँ मैं दिखा था। तो चल रहा है घर का काम, आज हम लोग आए थे गेहूँ वो पिसवाने, 11th को शादी है, चला रहे हैं ब्लोरो पिकअप, बाकी का अपडेट घर पहुँचने पर।